उस गेम में एक शायद ड्रावनी गेम भी थी भूत वाली जो रोज खेलता था उसको, नन नाम है उस गेम का। उसने ये कदम उठा लिया, कुछ कह नहीं सकते हम भी, पूरा पक्का नहीं है, लेकिन और रोज वो गेम खेलता ही खेलता था। कितने भाई बहन उसके? उसके एक सबसे छोटा वाला भाई है, एक उसकी बहन है खुशबू और एक वो करण। गेम खेडदियां खेडदियां घर च पै गए वैन, 12 सालां बच्चे दी होई मौत, गेम ने लई मासूम बच्चे दी जान। देश दे विच लगातार हो रहियां मौतां दा अंकड़ा वधदा ही जा रहा। लगातार हो रहियां मौतां दा प्रमुख कारण है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन दी वरतों अज दे समय च हर एक इंसान कर रहा है। इंसान खाना पीना भुल सकता है पर मोबाइल फोन की वरतों करना नहीं। उठते समय भी सौंदे समय भी मोबाइल फोन की वरतों की जाती है। मोबाइल फोन कारण गंभीर बीमारियां भी लग रही ने, जिस कारण मौतों का अंकड़ा भी दिनों दिन वाधा जा रहा है। जेकर गल की जाए छोटे छोटे बच्चों की, जो छोटी उम्र के विच ही गेम खेडन लग जाते हैं। बच्चे मोबाइल फोन के विच गेम के विच इन्ना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि उन्होंने अपने आले दुआले की कोई खबर ही नहीं रहती, सगों बच्चों अपना खान पीन का भी कोई ध्यान नहीं रहता। मोबाइल फोन के विच गेम खेडन कारण कुछ बच्चे मौत के मूँह च चले जाते हैं। अजिहा ही एक मामला पटियाला तो सामने आया है। पटियाला शहर के बी टैंक मोहल्ला विखे एक 12 साल दे बच्चे दी मौत हो गई। बच्चे दे गले च दुपट्टा लिपटन कारण बच्चे दी मौत हो गई। बच्चे दी पहचान करण यादव दे रूप च हुई है, जो कि चौथी जमात च पढ़दा सी। जानकारी मुताबिक बच्चा वीडियो गेम वेखदा होया स्टोर वाल चला गया ते बच्चा अक्सर ही वीडियो गेम खेडदा रहंदा सी, जिस कारण परिवार ने काफी देर इस गल नूं लैके कोई ध्यान नहीं किया। पर जदों वापिस ना आया तां जाके वेख्या कि बच्चे दी लाश लटकी हुई सी। उस नूं उतार के परिवार ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਥਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੁਲਹਾੜੀ ਨਾ ਮਾਰ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੀ ਸੀ। ये रात में जब भी इसके पापा आते थे, पापा से जबरदस्ती फोन ले लेता था। ये गेम तो खेलता ही खेलता था, जितना देर इसने एक घंटा खेलना आधा घंटा खेलना। उस गेम में एक शायद ड्रावनी गेम भी थी भूत वाली जो रोज खेलता था उसको, नन नाम है उस गेम का। अपने बच्चों सबको दूर रखना चाहिए, वो गेम होनी नहीं चाहिए, सबको साथ कर देते हैं नन, लेवल नन है उस गेम का नाम, तो दूर रहना चाहिए उस गेम से, बहुत ड्रावनी गेम है वो। हो सकता है उसके कारण उसने ये कदम उठा लिया। हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हम भी, पूरा पक्का नहीं है, लेकिन और रोज वो गेम खेलता ही खेलता था। सो कौन सी क्लास में पढ़ता था वो? पढ़ता था 5th क्लास में। कौन से स्कूल में? अपना नेशनल स्कूल में जो है नी, उसी स्कूल में पढ़ता था। बच्चा पढ़ने में कैसा था? ट्यूशन भी जाता था, सब कुछ करता था। और कितने भाई बहन उसके? उसके एक सबसे छोटा वाला भाई है, एक उसकी बहन है खुशबू और एक वो करण। A1 मीडिया लिए पटियाला तो अंशुमन भास्कर की खास रिपोर्ट।